हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट से होने वाली डर के बारे में। मेरे इस चैनल पे दो वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, एक है शिलाजीत के ऊपर और एक है अश्वगंधा के साइड इफेक्ट के ऊपर। उसको देखने के बाद भी बहुत सारे लड़के और लड़कियां हमसे पूछते हैं कि तो क्या हमको शिलाजीत खाना चाहिए, तो क्या मैं अश्वगंधा खा सकता हूँ, खाऊं या ना खाऊं, भाई दिन में खाऊं या रात में खाऊं, ऐसा करके मुझे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। कितने सारे लोग YouTube पे अलग अलग वीडियो देखने के बाद डर जाते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं ऐसे खाऊं या मैं वैसे खाऊं, मैं सुबह में खाऊं या रात में खाऊं, यानी कि लोगों के मन में साइड इफेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डर बन जाती है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच्चाई क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अश्वगंधा शिलाजीत को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं। सबसे पहले बात कहते हैं, अगर आप गूगल या यूट्यूब पे जाएंगे या किसी भी डॉक्टर से जाके पूछेंगे तो भात का भी साइड इफेक्ट होता है, रोटी का भी साइड इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि पानी का भी साइड इफेक्ट होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कल से पानी पीना छोड़ देंगे। साइड इफेक्ट होने के पीछे बहुत सारी कारण हो सकती है। सबसे पहला कारण होता है अलग अलग बॉडी का होना। सब बॉडी में आप एक जैसा खाना नहीं डाल सकते हो। जो खाना माँ को सूट करता है वही खाना बेटा को सूट करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कारण होता है अलग अलग क्लाइमेट का होना, यानी कि अलग अलग मौसम में आपको अलग अलग खाना चाहिए। हर मौसम पे आप एक जैसा खाना नहीं खा सकते हो। अब अगर कोई ठंडा में दही पिएगा तो उससे उसको फायदा तो नहीं होगा, लेकिन सर्दी खांसी और नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तीसरा कारण होता है सही चीज को ज्यादा ले लेना या ज्यादा चीज को कम ले लेना, यानी कि क्वांटिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज को ज्यादा खा लेते हैं जिनसे उनको नुकसान हो जाती है। ऐसा कभी आप लोगों के भी साथ होता होगा, रोटी सब्जी या सामान्य खाना, जो खाना आप 365 दिन खाते हो वही खाना आप कभी कभी ज्यादा खा लेते हो तो उससे भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, और कभी कभी हो भी जाता है। और कभी कभी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई कोई चीज सुबह खाने के लिए बना है, अगर आप उसको रात को खाएंगे तो फायदा की जगह आपको नुकसान होगा। ये सभी थे साइंटिफिक रीजन। अब बात करते हैं साइकोलॉजी रीजन के बारे में। कभी कभी हम लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत सारे वीडियो देखने के बाद डर जाते हैं कि अरे मेरे को ये नहीं करना चाहिए। आप लोग शिलाजीत खाने से पहले ही अपने मन में बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, इसको खाने से मेरे को नुकसान होगा, मेरे पेट में गर्मी हो रहा है, ये हो रहा है, हद से ज़्यादा आप लोग कल्पना करने लगते हैं, जिसके कारण बीमारी तो आपको बाद में होता है, आप लोग मन से पहले ही डर जाते हैं और आपको महसूस होने लगता है कि मेरे को साइड इफेक्ट हो रहा है। तो आप सब ज़्यादा डरे नहीं साइड इफेक्ट को लेके, हर चीज़ से आपको उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है जितना आप लोग सोचते हैं। और साइड इफेक्ट के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको वेदर, अपना बॉडी, क्लाइमेट और टाइमिंग और कितना मात्रा में लेना है ये जानना बहुत ही जरूरी है, तब आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा किसी भी दवा का, किसी भी खाना पीना का।